2 दिन पूर्व छावनी थाना क्षेत्र में हुए 2 गुटों की झड़प के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिसे देखते हुए पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया था। रात के वक्त छावनी थाने का घेराव भी किया गया। पुलिस द्वारा स्थिति को नियंत्रण में कर प्रभावित क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस कप्तान द्वारा किसी भी प्रकार के उपद्रव से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले को लेकर दुर्ग SP शलभ सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष इस है। छावनी थाना क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थल के बाहर कुछ उपद्रव करने का प्रयास किया था। सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। जिनके जिनके खिलाफ शिकायत मिली है उनको पूछताछ के लिए भी बुलाया गया, कुछ लोगों को हिरासत में भेजा गया है और लगातार हमारी पेट्रोलिंग उस एरिया में चल रही है। एक्स्ट्रा बल, एक्स्ट्रा फोर्स भी हमने उस क्षेत्र में लगा करके रखा है। अभी स्थिति नियंत्रण में है और मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि सामाजिक सौहार्द बना करके रखें और जो भी ऐसे लोग हैं, ऐसे तत्व हैं जो शांति भंग करने का प्रयास करेंगे, उनके विरुद्ध पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगी।